गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर फॉर पार्ट्स एंड होल्स। तो आज नया चैप्टर पार्ट्स एंड होल्स स्टार्ट करेंगे हम। सो सी हियर इन अ फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ इसलिए किया है कि फिर वीडियो चलाते हुए ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ अच्छे से, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। सो डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल्स इंटू सिक्स इक्वल पार्ट्स इन अ डिफरेंट वेज। तो जी, एक दो तीन चार रेक्टेंगल हमको ब्लैंक दिए हुए, सिर्फ रेक्टेंगल, उसको सिक्स इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। सो हाउ कैन वी डिवाइड इट, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे इसको सिक्स इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको स्केल हो, आपके पास स्केल होनी चाहिए और स्केल में आप देखोगे उसके ऊपर नंबर हो गए यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, ये आपके पास नंबर हो गए। सो यहां से यहां तक जो आ रहा है 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, इट इज अ सेंटीमीटर एज इट इज। ये जो स्मॉल दिख रहे जो मिलीमीटर है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm एंड 10 मिलीमीटर। तो ये जो छोटी जो लाइन है इट इज कॉल्ड मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर है, आपको ध्यान रखना है। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे देखो। सो पहले टोटल बॉक्स की लेंथ मैंने चेक की, या टोटल बॉक्स की लेंथ मैंने चेक की तो 6 सेंटीमीटर, इस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटीमीटर, सेकंड सेंटीमीटर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे डॉट कर दिया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स मिल गए हमको। तो डॉट करके फिर देन वी कैन ज्वाइन दिस लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, के 6 लाइन हमने ज्वाइन कर दी। सो वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। तो 6 सेम साइड के बॉक्स मिल गए, कैसे, 1 सेंटीमीटर के सब बॉक्स किए ऐसे। एंड सेकंड में देखो, सेकंड में मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े ऐसे करोगे तो 6 / 3 क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। तो आपको 2 सेंटीमीटर पे जाना है। सो 2 सेंटीमीटर पे फर्स्ट ये, फिर सेकंड, फोर पे ये और सिक्स पे ये आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाली लाइन को आपको खींच लेना है, तो 1, 2, 3 बॉक्स इक्वल हो जाएगी। फिर ये जो लेंथ है, ये लेंथ उसकी हाफ करेंगे, कैसे करेंगे, तो सी हियर टोटल लेंथ ऑफ इट। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू अराउंड अबाउट 25 mm। 25 mm के आधे कितने हो गए, 12.5। 25 mm का हाफ करना है, मतलब 12 सेंटीमीटर करना है हमको, सॉरी 12 मिलीमीटर जाना है हमको। सो यहां पे 12.5 के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है हमारा, ये जो स्केल है यहाँ पे आप देखो, ये 10 mm हो गया, तो 12 mm मतलब ये वाला, ये 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर और ऊपर 2 खाने, मतलब 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 12 mm एंड 13 mm के बीचों बीच हम यहाँ पे लाइन मतलब डॉट करेंगे, एज इट यहाँ भी डॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे 12.5 12.5 पे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी हैव 6 बॉक्स विच आर इक्वल एज इट इज। इसमें भी हमने क्या किया, 25 है तो 25 डिवाइड बाई जब हम 6 करेंगे तो 6 × 25 25 − 24 1 पॉइंट लेके 0, आगे जाने की जरूरत नहीं। सो अराउंड अबाउट 4 हमने बॉक्स ये किए, 4 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रख के 4 mm 4 mm 4 mm, मतलब कि आपको स्केल पे दिखा दो 4 mm कहां पे है। सो सी हियर, तो 1, 2, 1, 2, 3 और 4, ये 4 mm जितनी गैप गैप पे आपको डॉट करना है, 1, 2, 3 एंड 4 mm। तो मैंने यहां जो डॉट किया आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको ये डॉट दिख रहे, डॉट 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डॉट जो है 4 mm 4 mm 4 mm के है, तब जाके ये 25 पे पहुंचेगा। और एक बॉक्स थोड़ा 5 mm के जितना होगा, तो उसके लिए हम 4 mm से थोड़ा थोड़ा हल्का सा ज्यादा करेंगे। सो 6 इक्वल पार्ट हमको मिल गए एज इट इज। इसमें कैसे किया, तो टोटल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के 2 पार्ट करेंगे, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया एक पार्ट, तो 2 पार्ट हो गए। फिर ये 25 mm जो था, मतलब ये 25 mm जो था, उसके 3 हिस्से क्या हो गए, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, मतलब 8 एंड समथिंग।
सो 8 से थोड़ा ऊपर, 8 से थोड़ा ऊपर, 8 mm, 8 mm से थोड़ा ज्यादा बॉक्स मैंने बनाया, तो ऐसे ये बॉक्स बन गया। तो 8 mm भी कहां पे है मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। सो 5 mm, 6, 7 and 8, सॉरी ये 5 mm की बड़ी आधी लाइन जो है 5 mm है, 6, 7 and 8, 5 + 3, 8 mm, 1 cm से 2 खाने अंदर। सो 8 mm के आपको यहाँ पे 1 and 2 डॉट करके इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये 4 रेक्टेंगल आपको सेम इक्वल मेजरमेंट के मिल जाएंगे। एज इट इज स्क्वायर में भी आपको करना है, स्क्वायर में क्या करना है, टोटल मेजरमेंट का हाफ कर दो, हाफ ऐसा और हाफ ऐसे, तो ये 4 हिस्से मिल जाएंगे। फिर ये वाले इसके लिए मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अपोजिट वर्टेक्स मतलब अपोजिट जो पॉइंट है उसको वर्टेक्स को जोड़ दो, एंगल्स को इसको जोड़ दिया तो 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट मिल गए। एज इट इज इसमें ये जितना भी मेजरमेंट है उसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो कितना मेजरमेंट है मैं आपको एक बार बताता हूं। इसका मेजरमेंट है 28 अराउंड अबाउट है, ओके okay. तो 28 के 4 हिस्से क्या हो गए, 7 × 28, तो आप देख सकते हो यहां 7 mm ये पार्ट होना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, शायद आपको दिखे तो सी हियर केयरफुली, देखो क्या है आपको इजीली दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mm का दूसरा भी होगा, हो गया 5 और 2, 7 mm, तीसरा भी 7 mm का होगा, ये 5 का है, 5 और 2, 7, चौथा भी 7 mm का होगा, ये 5 और 2, 7, ओके। तो आपको ऐसे 4 इक्वल पार्ट करने हैं इसके भी, एज इट इज इसका ऐसे 7 mm, 7 mm, 7 mm आ गया, तो 7 × 28, तो ऐसे भी आपको इक्वल पार्ट करने हैं इसमें। देन ट्राइंगल में आपको क्या करना है, ट्राइंगल इज सो ऑकवर्ड थिंग, सो ट्राइंगल में एक आपको करना है, इसका सेंटर निकालना है, ये इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, ये तीनों का सेंटर और इसके सेंटर के साथ जोड़ देना है, सो 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। देन सेंटर के साथ जितने भी एंगल या वर्टेक्स है उसको ऐसे जोड़ देगा, सेकंड ट्राइंगल मिल जाएगा। फिर इसमें हमको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ रहा है, क्योंकि ट्राइंगल में हमको एरिया फाइंड करके चेक करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डू इट इन योर स्टेज, तो स्टैंडर्ड 5th के स्टेज पे आपको ये आता नहीं है एरिया ट्राइंगल का। सो आपको क्या करना है कि इससे थोड़ा हाफ से थोड़ा नीचे लाइन कर दो और उसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दो, 1, 2, 3 एरिया जो हो गए इक्वल हो जाएंगे। एंड फोर्थ फिगर में 1 और 2 डॉट करके यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे फिर ये लाइन को आपको ज्वाइन करना है। सो नाउ टुडे वी आर डूइंग रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में, स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में, ट्राइंगल को 4 इक्वल पार्ट में हमने ज्वाइन किया। नाउ एग्जांपल नंबर 4, इट इज सो इजी फॉर यू, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो आर शेडेड। तो गिवन फिगर जो है, जो दी गई फिगर्स है, तो कितना पार्ट शेडेड है, तो कितना पार्ट शेडेड है के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टोटल लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे हमेशा यहाँ 6 लिखे गए लाइन के नीचे, तो नीचे जो होता है इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 6 ले गए, एज इट इज सी हियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या ले गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो डिनोमिनेटर 9 ले गए। इन नंबर 4 में 4 + 4, 8 + 4, 12, 4, 16, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 ले गए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 16, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 16 ले गए। सो टोटल बॉक्सेस हमको नीचे लिखने हैं, टोटल बॉक्सेस नीचे लिखने हैं और ऊपर शेडेड पार्ट लिखना है, 1, 2, 3, सो आवर आंसर इज 3/6, आवर आंसर इज 2/9, आवर आंसर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने बॉक्स शेडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो 8/16, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4/16, तो आपको इसके आंसर ऐसे लिखने हैं। इसको अभी भी शॉर्ट फॉर्म करना होते हो सकता है, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जैसे कि 3 × 6, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 8 × 16, तो इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, 4 × 16, तो इसको 1/4,
लिख सकते हैं। तो ये वन हाफ वन अपन फोर को बाद में आपको मैं फिर समझाऊंगा, पर पहले आप जो आगे वाले आंसर जो है उसको अच्छे से दिमाग में रखना। मतलब ये भी, ये दोनों आंसर इसके करेक्ट है, पर अभी प्राइमरी स्टेज पे आप ये वाले आंसर समझो, 3 एंड टोटल, 8 एंड टोटल, 4 एंड टोटल एंड 2/9। ओके, आज हम यहाँ तक सीखेंगे। ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच।